अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फोर्सेस स्ट्रीम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो जो आज की वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपके साथ AFNS का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। सो अपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल फोर्सेस स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली कोई भी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। और अगर आप की कोई भी क्वेरी है, अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फोर्सेस ड्रीम के नाम से मेरा अकाउंट है। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप वहाँ पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर दूंगी। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ AFNS का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। और जो सेंटर इनका रावलपिंडी है और इनका जो इंटरव्यू है वो क्लियर हो चुका है। सो और इनके जो FSC में जो मार्क्स हैं वो 1004 हैं, 1004। और इनके मैट्रिक्स में भी 1000+ मार्क्स हैं, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो इसलिए मैंने इनसे सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स ले ली थी। सो अब आप इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस सुन लें, ये आपको अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताएंगे। और रावलपिंडी में था, ऐसे हुआ कि पहले हमें जहाँ की लोकेशन बताई गई थी हम वहाँ पहुँचे, फिर उसके बाद एक बस आई, जब हम सब इकट्ठे हो गए तो बस हमें एक और जगह पे ले गई थी जहाँ पे हमारा इंटरव्यू होना था। फिर 5-5 गर्ल्स को बुलाया और फिर मेरा सीरियल नंबर 8 था, तो मुझे जब बेल करते हैं वैसे जब न्यू कैंडिडेट को बुलाना हो, तो फिर मुझे बुलाया गया। और फिर उसमें सबसे पहले वो पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, उसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, नेम, फादर नेम, कहाँ से हूँ और फादर क्या करते हैं, प्रोफेशन और अपनी क्वालिफिकेशंस बताई थी, अब मैं क्या कर रही हूँ बताया था, ये मैं खुद बताया था, इंग्लिश में बताया था, वैसे उन्होंने पूछा भी इंग्लिश में था। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मेरे फादर का पूछा था कि गवर्नमेंट जॉब है क्योंकि वो टीचर हैं, तो उनका ग्रेड पूछा था, भाई के भाइयों के बारे में पूछा था क्या करते हैं वो बताया था, और बड़े भाई चूँकि एयरफोर्स में है तो उनका ग्रेड वो पूछा था, रैंक पूछा था। उसके बाद एक जो जनरल नॉलेज वाले थे उन्होंने पाकिस्तान के नेबर कंट्रीज़ के बारे में पूछा था, और जो मैम थी उन्होंने ब्लड सेल्स से क्वेश्चन किया था और मैंने ब्लड सेल्स के नेम पूछे थे वो मैंने बताए, और फिर उनका फंक्शन रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन पूछा था, और उसके बाद रेड ब्लड सेल्स में मैंने बताया, फिर हीमोग्लोबिन का फंक्शन पूछा था, कौन कौन सी कैसे ट्रांसपोर्ट करती हैं वो बता दिया मैंने, और बस यही था इंट्रोडक्शन। फिर एक और क्वेश्चन भी था कि आप क्यों बनना चाहती हैं, आप में ऐसा क्या है कि हम आपको हायर करें, बस ऐसे ही क्वेश्चन थे। और एक और मैम बता रही थी कि आपकी ट्रेनिंग कितने ड्यूरेशन, क्योंकि उन्होंने ये सारी डिटेल बताई थी। और वैसे इंटरव्यू में सबको ही रिकमेंड करते हैं, बहुत कम बच्चे रिजेक्ट होते हैं। ओके गाइस, ये था एक्सपीरियंस एक स्टूडेंट का जो कि AFNS में उनका इंटरव्यू क्लियर हो चुका है और इनका सेंटर रावलपिंडी था। सो जी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।